नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। जहां एक तरफ देखा जाए कि राज्य सरकार से बच्चे नाखुश हैं, वहीं पर आपका केंद्र सरकार में बैक टू बैक कोई ना कोई पोस्ट जो है आपको देखने को मिल रहा है। तो अभी जो मैं आपके सामने नोटिफिकेशन लेकर आया हूं, जिसके डिटेल में मैं बताऊंगा कि उसमें क्या आपको अर्हता चाहिए, कैसा उसका जॉब प्रोफाइल है, क्या आपको काम करना है और उसमें आपको तैयारी किस बिहाफ पे करनी है। तो यहाँ पे आप जैसा देख रहे हो लिखा है, ये जो नोटिफिकेशन है वो एएमडी के नाम से है। तो एएमडी का मतलब होता है एटॉमिक मिनरल डायरेक्टोरेट फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ रिसर्च। मतलब ये कहीं ना कहीं आपके किस विभाग से है, इसीलिए मैंने नीचे लिख दिया कि आपको ना समझ में आए तो परमाणु ऊर्जा विभाग जो है, जीओआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है, उसी से रिलेटेड ये वैकेंसी है। ये वैकेंसियां कभी कभी निकलती हैं, ऐसा नहीं है कि ये रेगुलर निकलती हैं, लेकिन इन वैकेंसियों में बाकी बच्चों के जो है दिमाग जाते नहीं है और ये वैकेंसियां हो जाती हैं और क्लियर कट होती हैं और बहुत कम समय में हो जाती हैं। तो जहां आप पीईटी की तरफ अभी आपका ये है कि नहीं यहाँ पे वैकेंसी नहीं आ रही है, यूपी में वैकेंसी नहीं है, लेकिन अपने आप को रोको मत, आपकी तैयारी है ही है, आप उसे एक्सप्लोर करो। चीजें कहीं ना कहीं वही चीजें पूछी जाती, मैं इसलिए इस वैकेंसी के बारे में आज डिटेल बता रहा हूं। यहां पर हिंदी भी पूछी जा रही है, ठीक है, हिंदी भी पूछी जा रही है, इसलिए यहां पर मैं इस वैकेंसी के डिटेल को लेकर आया हूं। तो चलिए एक एक करके कि कब से इसके फॉर्म भरे जाएंगे, नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, ठीक है, उसके बाद से हम लोग डिस्कस कर लेंगे एग्जाम डेट कब है इसकी, प्रस्तावित सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है और आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है इस नोटिफिकेशन में, कौन कौन भर सकता है। तो सबसे पहली बात किया जाए कि ये देखो ऐसे ही आपका नोटिफिकेशन एएमडी का, भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परमाणु ऊर्जा विभाग, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की एक तरह से बोला जाए वैकेंसी है। उसमें जो कुछ पोस्ट हैं, जैसे इसका जो फॉर्म फिलिंग डेट है वहां पर आप देख लीजिए कि 29/10 से आपका स्टार्ट हो रहा है, मतलब आज से, और 17/11 तक चलेगा, तो बहुत ज्यादा समय नहीं दिया गया है, ठीक है। उसके बाद से टेंटेटिव शेड्यूल फॉर फिजिकल टेस्ट, कुछ पोस्ट के लिए फिजिकल टेस्ट है, जो फिजिकली फिट है बच्चे, ठीक है, जो आपके कांस्टेबल की तैयारी करने में लगे हुए हैं, किसी और एग्जाम की तैयारी जैसे जीडी में लगे हुए हो, तो फिजिकल आपका है ये, तो फिजिकल किसके लिए होगा, एएसओ के लिए होगा और सिक्योरिटी गार्ड के लिए होगा, ठीक है। तो एएसओ अच्छी पोस्ट है, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर है, ठीक है, वो सिक्योरिटी का ऑफिसर है, अच्छी पोस्ट है, ऐसा है, ठीक है। तो यहां पर फिजिकल टेस्ट आपको देना होगा, दिसंबर में होगा। टेंटेटिव शेड्यूल फॉर रिटन एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड जेटीओ के लिए जो, और सिक्योरिटी गार्ड के लिए, ठीक है, यहां पर क्या बोला है कि जो रिटेन एग्जामिनेशन होगा कंप्यूटर बेस्ड फॉर द पोस्ट ऑफ जेटीओ एंड सिक्योरिटी गार्ड वो जनवरी 2023 में होगा, ठीक है, अभी एएसओ का नहीं है, जो असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर है, और यही पोस्ट ज्यादा आई है। और उसके बाद से अगर हम बात करें टेंटेटिव शेड्यूल फॉर डिस्क्रिप्शन एग्जामिनेशन फॉर जेटीओ एंड एएसओ, ठीक है, और जो डिस्क्रिप्शन एग्जामिनेशन होने वाला है किसके लिए, जेटीओ के लिए और एएसओ के लिए लेवल टू वाला, वो फरवरी 2023 में होगा, समझ रहे हो। तो यहां पे आपका फिजिकल होगा एएसओ के लिए और सीधे यहां पर एग्जाम होगा लेवल टू होगा, ये वाला जो जनवरी में लेवल वन एग्जाम है वो सिर्फ आपके सिक्योरिटी गार्ड के लिए है और जेटीओ के लिए है, ठीक है, ये ध्यान रखना, फिजिकल आपके सिक्योरिटी गार्ड एएसओ के लिए, जेटीओ के लिए नहीं है। आते हैं पोस्ट पे, पहला जो आपका पोस्ट है वो जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, यही पोस्ट अभी हमने दिखाया था आपको कि डीआरडीओ में निकली थी और अच्छी पोस्ट होती है, 35,400 इसका वेतनमान है, ठीक है, 6 लेवल 6 की प्रैक्टिस है, डीए आपको मिलेगा, अदर अलाउंसेस एडमिनिस्ट्रेबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो आपके अलाउंसेस होते हैं वो सब आपको इसमें प्लस करके दिए जाएंगे। टोटल जो पोस्ट है इसमें मिलाकर 9 पोस्ट है, बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन 9 पोस्ट है, लेकिन स्पेशल डिग्री भी मांगता है कि मास्टर डिग्री होना चाहिए आपके पास हिंदी या इंग्लिश में, विथ इंग्लिश या हिंदी एज ए सब्जेक्ट है डिग्री लेवल। अगर हिंदी में मास्टर डिग्री है तो इंग्लिश आपका डिग्री लेवल पर सब्जेक्ट होना चाहिए, अगर इंग्लिश में आपका मास्टर डिग्री है तो हिंदी एज ए डिग्री लेवल पर आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। साथ ही साथ वो नहीं है तो मास्टर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट में विथ हिंदी या इंग्लिश एज ए मेन सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल, हिंदी और इंग्लिश आपका सब्जेक्ट होना चाहिए डिग्री लेवल पे, आप किसी भी से ग्रेजुएशन किए हो किसी सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं रखता है। तो यहां पर भी कई लोग आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अगर मास्टर डिग्री आपका किसी भी सब्जेक्ट से है और ग्रेजुएशन में हिंदी इंग्लिश आपने पढ़ा है तभी भी आप भर सकते हो। मास्टर डिग्री आपका किसी भी सब्जेक्ट से है, हिंदी या इंग्लिश मीडियम में है आपका, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश मीडियम में हो, और आपने इंग्लिश या हिंदी एज ए मेन सब्जेक्ट डिग्री लेवल पढ़ा हो, मेन सब्जेक्ट मतलब आपके तीनों साल रहा हो, अगर हिंदी से आपने मीडियम, आपका मीडियम हिंदी है तो इंग्लिश अगर आपने तीनों साल पढ़ा है तब आप एलिजिबल हो गए, अगर मीडियम इंग्लिश है हिंदी आपने तीनों साल पढ़ा है तब आप एलिजिबल हो गए।
ऐसे ही मास्टर डिग्री आपका हिंदी या इंग्लिश में हो या किसी और सब्जेक्ट में हो, और हिंदी इंग्लिश मीडियम विथ इंग्लिश और हिंदी एज ए मेन सब्जेक्ट एज ए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट डिग्री लेवल, तभी आप वैलिड कहलाओगे। बाकी ये बैचलर डिग्री के साथ कोई सर्टिफिकेशन है आपके पास तो आप वैलिड होगे। एज लिमिट जो है 18 से 28 साल है जेटीओ के लिए, ये ध्यान रखना। बाकी रिलैक्सेशन जो होता है गवर्नमेंट का, एससी एसटी आपके 5 साल और ओबीसी का 3 साल, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा जो सेंट्रल का चलता है। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, पहला लेवल जो टेस्ट होगा ये एक तरह से स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, मतलब शॉर्ट लिस्टिंग क्या होगा, इसका कोई मार्क्स जुड़ा नहीं जाएगा, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। इसमें आपको जनरल हिंदी आएगा, जनरल इंग्लिश आएगा, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग मतलब रीजनिंग वाला पार्ट आएगा, और क्वांट का पार्ट मतलब मैथ आएगा। 100 क्वेश्चन होगा, 2 घंटा काफी समय दे रहा है, बाकी 100 क्वेश्चन जो है 1 घंटे में होते हैं लेकिन ये 2 घंटा दे रहा है। तो ये यहां पे आप कह सकते हो कि 25-25 क्वेश्चन होंगे चारों सब्जेक्ट से, तो 100 क्वेश्चन हो गए और एमसीक्यू मोड में होगा। तो इसे आपको क्वालिफाई करना है, इसके बोला है कि मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स आपको एग्जाम में लाना ही लाना है इच लेवल में, सभी लेवल में, अभी लेवल 1 में भी और लेवल 2 में भी, ये इतना तो ले आना है URAWS को और ओबीसी को। लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप इतना परसेंट मार्क्स ला दिए तो आप लेवल 2 के लिए सेलेक्ट हो जाओगे, उसके बाद वो मेरिट बनेगी, उसके अकॉर्डिंग 1:20 मतलब 20 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा वैकेंसी के अकॉर्डिंग, फिर वो शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट आपके लेवल 2 में जो है एग्जाम देंगे। और लेवल 2 का जो एग्जाम है वो देख लो, डिस्क्रिप्टिव रिटन टेस्ट होगा, जो 2 पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2 होगा। इसमें ध्यान देना, पेपर 1 आपका जो होगा 100 मार्क्स का, 3 घंटे का होगा, ट्रांसलेशन होगा पैराग्राफ का हिंदी से इंग्लिश 2 नंबर, 1 each फॉर टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर, अप्रोक्स 250 वर्ड फॉर ट्रांसलेशन, 25 मार्क्स का होगा। ऐसे ही इंग्लिश से हिंदी का होगा, ये भी 25 मार्क्स का होगा। फिर ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंस इंग्लिश टू हिंदी करना पड़ेगा, वो 15 मार्क्स का होगा, और हिंदी टू इंग्लिश करना पड़ेगा वो 15 मार्क का होगा। सिनोनिम्स इंग्लिश वर्ड इन हिंदी में आपको लिखना होगा 10 मार्क्स का, और हिंदी का इंग्लिश लिखना होगा 10 मार्क्स का। तो टोटल ये हो गया। उसके बाद दूसरा पेपर जो कंसिस्ट करेगा आपका वो 3 घंटे का 100 मार्क्स का, ये भी होगा सेम एज इट इज, जो लेवल 1 है उसी के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन रीजनिंग और मैथ मिलाकर यहां 50 क्वेश्चन है, वही 25-25 मिला के 50 हो जाएंगे। हिंदी के 15 क्वेश्चन हो जाएंगे, इंग्लिश के 15 हो जाएंगे, ऐसे इन हिंदी लैंग्वेज 10 नंबर का और इंग्लिश लैंग्वेज 10 नंबर का, ये भी इंक्लूडेड आपका है यहां पर, ठीक है। उसके बाद से यहां पे बोला है कि फाइनल जो सिलेक्शन हैगा आपका, वो सिलेक्शन किसके बेस पे होगा, जो आप मार्क्स लेवल 2 में पाओगे उसी के बेसिस पे होगा, लेवल 1 सिर्फ स्क्रीनिंग है। अगर कभी आपका टाइप का केस हो जाता है तब वहां पे लेवल और लेवल 2 के मार्क्स भी देखे जाएंगे, और DOB आपकी देखी जाएगी, और अल्फाबेट के नंबरिंग जो है वो भी देखा जाएगा, फर्स्ट और लास्ट नेम और मिडिल नेम का। दूसरा जो पोस्ट है, जो सबसे ज्यादा पोस्ट आया है, वो है आपका ASO का, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर का, ये आपके एस है, और यहां पे 35,000 सेम आपकी जो है पे है जो आपका JTU का है, ठीक है। उसके बाद से पोस्ट जो है यहां पर देख रहे हो कि टोटल आपके 38 पोस्ट है, 38 पोस्ट है, ठीक ठाक। अब इस यहां पर देखो 28 से 27 साल यहां एज मांगा है, थोड़ा सा उससे कम है 1 साल, बाकी एक सर्विस मैन है तो उसको उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी 3 साल की 3 ईयर डिस्चार्ज फॉर रिटायरमेंट आर्म फोर्स, वो आपको जो लगता है एक सर्विस मैन को वो मिलेगा। इसका मोड ऑफ सिलेक्शन जो होगा, सबसे पहले जो होगा फिजिकल टेस्ट होगा, फिर रिटन टेस्ट होगा, जैसा मैंने आपको बताया था, पहले फिजिकल होगा फिर रिटन होगा। फिजिकल में आपका जो है कोई भी डिसेबिलिटी नहीं चाहिए, देखो सिंपल सी बात है, डिसेबल वाले पर्सन नहीं यहां होंगे। देखो जो जनरल मेल कैंडिडेट है उनके लिए हाइट इतना चाहिए, फीमेल के लिए इतना चाहिए, ठीक है। बाकी जो हिली एरिया के हैं वो 165 और 155 चाहिए। कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल ट्राइब्स कैटेगरी तो 162.5 और 54 चाहिए, ठीक है। उसके बाद से चेस्ट आपका जो जनरल मांगता है PT में वो 80 और 85 एक्सपेंड होने के बाद 5 सेंटीमीटर। बाकी जो आपके हिली एरिया के हैं उनका भी वही चाहिए, लेकिन शेड्यूल ट्राइब्स के जो हैं उनके जो है आपके चेस्ट को 77 और एक्सपेंड के बाद 82 चाहिए। फिर आपके रनिंग आ जाता है फिजिकल इवेंट्स, जैसे 1.6 किलोमीटर रन करना है आपको मेल कैंडिडेट को 6 मिनट 30 सेकंड में, और लॉन्ग जंप करना है 3.65 मीटर का 3 चांसेस में, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद से यहां पर कुछ एज ग्रुप आ जाता है, उस एज ग्रुप के अकॉर्डिंग, क्योंकि जब रिलैक्सेशन मिलता है आप लोगों को उसके अकॉर्डिंग यहां पर कुछ दिया गया है। बोला गया है अप टू 30 साल, 30 साल तक लोगों को जो चिनअप्स है फिजिकल आपका टेस्ट वो 8 से 9 मारना है, और 30 से 40 के बीच में जो लोग हैं उनको 5 से 6 मारना है। पुशअप जो आपको मारना है आप 40 से 45 साल के जो बीच के लोग हैं उनको 16 से 17 मारना है, और 45 से ऊपर जो है उनको 12 से 13 मारना है। सीटअप उठक बैठक जो करना है वो आपको
30 साल तक 25 से 29 करना और 30 से 40 के बीच में 20 से 40, 40 से 45 के बीच में 15 से 19 और 45 से जो कोई ऊपर है वो 10 से 14 सीटअप करेगा। उसके बाद से फीमेल में आ जाओ तो 800 मीटर फीमेल को दौड़ना है और कितने मिनट में, 4 मिनट में आपको दौड़ना है। लॉन्ग जंप कितना है, 2.7 मीटर मतलब 9 फीट, इन तीन चांसेस में आपको क्लियर करना है। इनको सिर्फ सिटअप करना है, सिटअप वो भी अप टू, अगर 30 साल तक है कोई तो उसको 20 करना है, 30 और 40 के बीच में है तो 15 करना है, 40 और 45 के बीच में है तो 12 और 45 से ऊपर कोई है तो उसे 10 करना है। ठीक है, अब कहोगे सर इतना एज कहां से रिलैक्सेशन मिल जाता है, मिल जाता है जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय 15 हो जाता है, ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग मिल जाता है एज रिलैक्सेशन। रिटन टेस्ट की बात किया जाए तो यहां पर रिटन एग्जामिनेशन अब 75 मार्क्स का होगा, एएसओ का जो एग्जाम होगा वो आपका 75 मार्क्स का होगा, 90 मिनट में होगा। क्वेश्चन पेपर विल बी द फॉलोइंग पेपर, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन होगा 25 मार्क्स का, ये आपका रिटन बेस्ड होगा, एमसीक्यू बेस्ड नहीं होगा। जहां तक रिपोर्ट राइटिंग होगा वो भी 25 मार्क्स का रिपोर्ट आपको दिया जाएगा। बेसिक मैथ और जनरल अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ये आपका जो है लिखित होगा, एक तरह से रिटेन होगा, कंप्रिहेंशन वाला भी और रिपोर्ट राइटिंग वाला भी। हो सकता है कंप्रिहेंशन में कुछ पैसे दे दिया जाए तो कुछ ऑब्जेक्टिव हो और कुछ आपको पैसे के इन्फ्रेंस निकालने हो, फिर रिपोर्ट राइटिंग आपकी पूरी की पूरी वही होगी, रिटेन ही। यहां पर बेसिक मैथ और जनरल अवेयरनेस, देखो रीजनिंग नहीं है, मैथ्स है और जनरल अवेयरनेस के एमसीक्यू बेस्ड 25 मार्क्स के होंगे। फाइनल सिलेक्शन जो होगा बेसिस ऑफ द मार्क्स सिक्योर इन द रिटेन टेस्ट ऑनली होगा, ठीक है, बाकी जो आपका फिजिकल है वो क्वालिफाइंग है और जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपके रिटेन टेस्ट में जो मार्क्स आप ऑब्टेन करोगे उसी के बिहाफ पर किया जाएगा। ठीक, उसके बाद से सिक्योरिटी गार्ड का है तो ये 18,000 इसकी इनकम है सैलरी, 274 पोस्ट है इसमें सिक्योरिटी गार्ड में, देखोगे एटॉमिक रिसर्च में जाओगे 274 पोस्ट है, नॉन गेस्टर ग्रुप सी की जॉब है ये। यहां पे आपको क्या चाहिए, डायरेक्ट रिक्रूट बोला है, डायरेक्ट रिक्रूट की बात किया जाए तो फॉर एक्स सर्विस मैन या एक्स पुलिस या एक्स सेंट्रल पैरामिलिट्री पर्सनल है तो उनका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए, 10th स्टैंडर्ड पास इक्विवेलेंट सेंट्रल पैरामिलिट्री पर्सनल या 10th स्टैंडर्ड पास ऑफ इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट ऑफ आर्म फोर्स, तो ये आप मिनिमम क्वालिफिकेशन है उनके लिए, ये ध्यान देख सकते हो। जैसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 10 पास पे है, बाकी जो एक्स सर्विस मैन और एक्स पुलिस मैन या सेंट्रल हैं उनके लिए 10 पास या उसके इक्विवेलेंट या सेंट्रल पैरामिलिट्री पर्सनल 10th स्टैंडर्ड पास या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट जो उनको दिया जाता है वहां से वो कुछ है तब इनके लिए वो मान्य होगा, बाकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए 10 पास ही जरूरी है। एज लिमिट 18 से 27 साल है, बाकी जो एक्स सर्विसमैन के लिए जो छूट मिलता है सेंट्रल में वो मिलेगा आपको। मोड ऑफ सिलेक्शन इसका भी फिजिकल टेस्ट है, फिजिकल टेस्ट में हाइट टेस्ट सब कुछ आपका सेम है, ठीक है, यहां पे भी जो पुशअप है वो सब कुछ आपका सेम है, फीमेल के लिए मेल के लिए सब कुछ सेम है जो आपका एएसओ के लिए होगा। रिटन टेस्ट में आपका रिटन टेस्ट जो इसका भी होगा वो भी एज इट इज सेम है आपका, किसके यहां पर जो मैथ्स था यहां पर रीजनिंग आ गई है, सिक्योरिटी गार्ड में क्या आ गया है, रीजनिंग और मैथ्स आ गया है, जीए आपका जनरल अवेयरनेस जो है वो हटा दिया गया है, तो यहां पे बाकी आपके, अच्छा देखो जनरल अवेयरनेस अलग से 25 मार्क्स का कर दिया गया है, रिपोर्ट राइटिंग हटा दी गई है, ठीक है, सिक्योरिटी वाले में रिपोर्ट राइटिंग हटा दी गई, कंप्रिहेंशन है, जनरल अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव टाइप का, यहां पर दो ऑब्जेक्टिव हो गए हैं जैसे मैथ्स और रीजनिंग हो गया है और ये हो गया है, तो टोटल आपका यहां पे इसका भी जो सिलेक्शन होगा वो रिटन टेस्ट पे जो आप मार्क्स सिक्योर करोगे उसी के बिहाफ पर किया जाएगा। फॉर्म का जो फीस दिया है आपको देखो, ट्रांसलेशन के लिए 200 दिया है, एसओ के लिए 200 और सिक्योरिटी गार्ड के लिए 100 दिया है, बाकी आपके जो जितने भी नेशनलिटी ये सब आपको जरूरी है एलिजिबिलिटी वो यहां पे लिख दिया है कि आपके इंडियन नेशनल होने चाहिए, चाहे ऐसे जो भी होगा वो आप पढ़ लीजिएगा। बाकी एज रिलेक्शन मैंने बताया कि 5 साल ये 3 साल ओबीसी, बाकी आपको जो सेंट्रल रिलेक्सेशन जैसे देता है जो एक्स सर्विस मैन है चाहे कहीं इंप्लॉय है उनके अकॉर्डिंग यहां पे पूरा आपको लिखा हुआ है, आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लेना ध्यान से, ठीक है, जो जे मेन मेन जो था वो मैंने आपको यहां पर बता दिया कि क्या क्या है, एक बार देख लेते हैं क्या सिलेबस इसने दिया है कुछ या नहीं दिया है। ठीक है, सेंटर आपका दिया है कि कहां कहां आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, तो यह सेंटर दिया गया है, आप जैसे भरोगे उसके अकॉर्डिंग आपको सेंटर मिल जाएगा। तो अभी सिलेबस का यहां पर कुछ ऐसा एस सटिस दिया नहीं है, तो जो सिलेबस होगा अगर आपको यह लगता है कि सर इसके सिलेबस की क्या होगा, तो सिलेबस ऐसा कुछ आएगा नहीं आपको, सिलेबस आप जनरल होगा, क्या होगा सिलेबस,
जनरल जो होता है, जैसे हिंदी हो गई, इंग्लिश पूछ रहा है तो उसका वही सिलेबस, मैथ्स है तो जो हर एग्जाम में एक जनरल बोला जाए कि सिलेबस चलता है उसी के अकॉर्डिंग यहां पर भी पूछेगा। अब बाकी जिसमें फिजिकल है, जैसे एएसओ में फिजिकल है तो पहले फिजिकल दोगे और उसका थोड़ा अलग ही है तो कंप्रिहेंशन हो गया, रिपोर्ट राइटिंग हो गया, तो इसका कोई सिलेबस नहीं होता। बाकी मैथ्स और जो आपकी जीए है, जनरल अवेयरनेस है, वो जानते हो कि जैसे हर एग्जाम में पूछता है वैसे ही यहां पर पूछेगा, पैटर्न आपको डिफाइन कर दिया है। जो भी अगर इस वैकेंसी के लिए बच्चे इच्छुक हैं तो जरूर फॉर्म फिल कर देना, क्योंकि कुछ पोस्ट हैं आपकी जो जैसे एएसओ है अच्छी पोस्ट है, फिजिकल आपका अच्छा है तो आप उसे निकाल सकते हो, क्योंकि सब लोग तो उसमें जाएंगे नहीं जिनका फिजिकल अच्छा होगा। और फिजिकल में सिर्फ हाइट और चेस्ट ही नहीं मांग रहा है, देख रहे हो पुशअप मांग रहा है, सिटअप मांग रहा है, ये सब चीजें मांग रहा है, तो ये जब सबके स्ट्रांग होंगे तभी वो फॉर्म फिल करेंगे। तो जिनके फिजिकल, जिस पे आप फिजिकल पे आप अच्छा तैयारी कर रहे हो और इस लाइन में आपको जाना है कि नहीं हमें फोर्स आर्म फोर्स लाइन में जाना है, तो उसके लिए एक अच्छी जॉब है, अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप फॉर्म फिल करिए और एग्जाम दीजिए। क्योंकि अभी अच्छा खासा समय रिटर्न में आपको फरवरी में होगा, अगले साल होगा, लेकिन जो आपका पीटी टेस्ट है वो जल्दी हो जाएगा। तो अगर इस वैकेंसी से रिलेटेड और कुछ भी आपको समस्या या कोई भी दिक्कत पता चल रही है तो आप वीडियो के कमेंट में जरूर करिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं का समाधान किया जाए। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।